हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जी टीवी के सीरियल रब से है दुआ के बारे में, जहां पर करणवीर शर्मा मेन लीड प्ले करते हैं। तो गाइज, ये शो में मेकर्स नए नए ट्विस्ट लेकर आ ही रहे हैं, जिससे फैंस का इंटरेस्ट शो में बढ़ता रहे। सीरियल ने डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया है जी टीवी के लिए। पिछले कई महीनों से स्टेबल और कॉन्स्टेंट अच्छे टीआरपी लेकर आ रहा है। इसके टाइम स्लॉट को देखते हुए 10:30 बजे पर जी टीवी पर जो परफॉर्म करता है, तो उस हिसाब से टाइम स्लॉट को देखते हुए शो की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी और डिसेंट रही है। और पिछले कुछ हफ्तों से हमें यहाँ पर इसके टीआरपी में इंक्रीजेस भी देखने को मिल रहे हैं। तो अभी रिसेंटली शो ने एक अचीवमेंट, एक नई माइलस्टोन को कंप्लीट करा, और वो है 300 एपिसोड्स की माइलस्टोन। कुछ दिन पहले इस शो ने 300 एपिसोड्स की जो अचीवमेंट है वो पूरी कर ली है काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से। और सीरियल के सेट पर इसी चीज़ को लेकर सेलिब्रेशन भी हुई थी। ऋचा राठौड़ और अदिति शर्मा भी शो का पार्ट हैं, यानी कि वो भी मेन लीड्स दोनों प्ले करते हैं, और उनकी परफॉर्मेंसेज भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। तो गाइस, देखते ही इस शो के काफ़ी जल्दी ही 300 एपिसोड्स हो गए, यानी कि पता भी नहीं लगा कब हो गए, ऐसा है लीड्स का कहना, स्पेशली करणवीर शर्मा का ये चीज़ कहना। और जो लोग पूछ रहे थे रब से दुआ ऑफर जा रहे हैं या फिर नहीं, और उसका जवाब यही है, ये शो ऑफर नहीं जा रहा एज ऑफ नाउ। कोई भी प्लान्स नहीं है जी टीवी के पास इस शो को बंद करने के, बिकॉज ये बढ़िया परफॉर्म कर रहा है चैनल के लिए। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि रब से दुआ सीरियल के रीसेंट एपिसोड्स आपको कैसे लग रहे हैं, शो पसंद आ रहे हैं या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, शो 500 एपिसोड्स तक जाएगा या फिर 1000 तक जाएगा? और सारी अपकमिंग रब से दुआ जी टीवी की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, ताकि आप कोई अपडेट बिल्कुल भी मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।